रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो अभी जनाब सुबह के 4:30 हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं कॉलेज टूर की तरफ। तो हाँ जनाब, बात कुछ यूं थी कि कॉलेज का टूर जा रहा हो तो मैं और आप कैसे मिस कर सकते। पहले यही कहूंगा कि इग्नोर द बैकग्राउंड, मुझे पता है बैकग्राउंड इग्नोर करो। तो वो निकले, रास्ते में हमने पिक ली और स्टेटस लगा लिया व्हाट्सएप पर, ट्रैवलिंग टू अननोन प्लेस। उसके बाद जनाब नाश्ता वगैरह किया और साथ ही सामने, मतलब इधर नहीं उधर, सामने दरिया था, दरिया के साइड पर फोटोग्राफी की और फिर से रवाना हो गए टूवर्ड्स खेवड़ा। तो भाई साहब ढाबे पर यही नाश्ता मिलेगा और इन समुंदर की लहरों से कह दो कि हम कश्ती पर नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारी बस निकल रही है बस। तो नींद से बचने का अनमोल तरीका, गुम हो जाओ मस्ती में और बहते रहो अंदाजे बयां में। हाँ कहाँ पर है बुक, मिली के नहीं? हाँ हाँ मिल गई मिल गई। तो हाँ जनाब खेवड़ा, खेवड़ा पूरी दुनिया में यहां से नमक सप्लाई किया जाता है, नमक बोले तो नमकीन जिन्हें ज्यादा पसंद है उनके लिए। और उसके अलावा पाकिस्तान में नमक खेवड़ा से जो आता है 5 रुपए किलो है और इंडिया में यानी दूसरे ममालिक में काफी महंगा है। तो ये जगह देखनी तो बनती थी ना। उस्तादजा की हदायत के मुताबिक किसी भी फजूल चीज की तरफ देखना मना है, समय तो गए है ना, पहले इंट्रेंस करवा लें फिर समझा देते क्लियर क्या कहना चाह रहे हैं। और ये तख्ती इस खेवड़ा की, जनाब हम इंट्रेंस पर खड़े हैं खेवड़ा माइंस के, तो टिकट ले ली है, इंशाल्लाह भी अंतर चलते हैं। से पूरी दुनिया में नमक सप्लाई किया जाता है खेवड़ा। और भैया यहाँ पर गर्मी है हीर पर, बाहर बहुत ज्यादा चलते हैं और यहाँ पर गर्मी है। खेवड़ा का अंदर से जो मतलब विजिट वगैरह करना था वो हमने कर लिया, तो उसके बाद हम बैठे हुए हैं निकल रहे हैं तरबेला की तरफ। यहाँ पर भाई साहब गलत बोल रहे हैं इनकी, इसलिए मैं बोलता हूँ मत सुनिएगा, क्योंकि भाई साहब फ्लो में बह जाते हैं, इन्हें समझ नहीं आती ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद हम गए, अब देखें हिस्टोरिक प्लेसेस तो टीचर्स दिखाएंगे ना आपको, आखिर टूर का मकसद बयां करना उन्होंने। कटास राज टेम्पल, मोहतरम अभी हम रास्ते में स्टे लिए किला कटास राज में, तो इंटरेस्ट काफी अच्छी है, पुराने वक्तों का एक बादशाह का किला बना हुआ है।
की रात यारों के संग, आज की रात यादों के संग, आज की रात इस साल के आखिरी खुशगवार और प्यारे दोस्तों के संग। और माहौल तो बन जाता है, हम बना लेते हैं माहौल। और फोन की बैटरी फिनिश, तो इसलिए कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। और रात हमने स्टे की भाई, पूरा दिन हम घूम घूम के ना, हमारा सर यूं घूम रहा था रात को। सुबह उठे और सीधा गए टेस्ला म्यूजियम। अब वहां पर अजीब ही माहौल था, आप देखें ना, फिर आप खुद बताएं मुझे कैसा माहौल था। जनाब आज दूसरा दिन ना, और अभी हम आए हुए हैं टेस्ला म्यूजियम में, और म्यूजियम का माहौल जबरदस्त ओसम। जनाब गए कश्तियों की सवारी में, पानी की बशारत में, दिल को सुकून देने, लेकिन पूरे ग्रुप के साथ। अकेले होते तो शायद ज्यादा फीलिंग्स आती, लिहाजा हम हेड रसूल कश्ती का मजा और माहौल बन गया। बस बन गया ना यार, तो यहाँ पर वही मॉल बन गया यार के पहले तुम और गाड़ी तुम होगी। आप अभी हम खानपुर डैम में कश्ती की सवारी पर रवाना। दुनिया के गमों से बाखबर होकर हम तो चले समुद्र की लहरों में, बल्कि झील की लहरों में अपने कुछ कीमती पल, कीमती लम्हात, कुदरत के नाम। हाँ पता है मुझे ये सब कुछ जो तू बोल रहा है, जहनी मरीज है ये इंसान, इसकी मत सुनिए करिए। पता नहीं खुद से ही बातें करता रहते हैं। अच्छा चल जा रहा हूँ अब तो। यार आप सिर्फ व्लॉग देखें, इन भाई साहब का आना जाना लगा रहेगा। और बाय द वे ये कौन है मैं भी नहीं जानता, तो बेहतर है आप भी ना जाने। उसके बाद गए जनाब हम यंग जनरेशन अपने पुरानी माजी की चीजों को देखने, और उन कलाकारों ने उनको ऐसी शक्ल दी थी यार कि जितनी तारीफ की जाए कम है। ठीक बोला ना, कम है। अभी हम पहुंचे यादगार पाकिस्तान अजायब घर। इस जगह ने याद दिला दी हमारे कायद की जिंदगी का, और तमाम आजादी की तहरीक में शामिल होने वाले उन रहनुमा जिन्होंने हमें इस हाल पर पहुंचाया, हमारा अपना मुल्क और लफ्ज पाकिस्तान हमारी जबान पर याद करवाया। यही हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इन्हीं की मेहनतों के बदौलत आज हम इस जगह हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो भाई साहब हम तो चलते हैं, हमने और भी काम करने हैं, अब करें इसी से ही बातें, हमारा तो अल्लाह हाफिज है। तो माहौल ये था कि पिछले दो हफ्ते से यही डिस्कशन चल रही थी, और आखिरकार टूर भी हो गया, मेमोरीज भी बन गई, और एट दी एंड व्लॉग भी बन गया, और आप लोगों के साथ शेयर भी हो गया। सो माहौल यू ही बनाई रखिए, बी हैप्पी, शेयर हैप्पीनेस। ये हमारा साइनवा है भैया, ये तो नहीं हम भूलेंगे।